खबर रीवा जिले से है, जहां एक बार फिर एनजीओ संचालक और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के जीवला का बताया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार पशुओं के रख रखाव और उनके उपचार के लिए एनजीओ संचालित करने वाली रूपा सिंह अपने साथियों के साथ जीवला मोड़ पहुंची थी। बताया जाता है कि उन्हें स्थानीय युवती के माध्यम से सूचना मिली थी कि स्थानीय लोग जानवरों को बेरहमी से पीटते हैं, जिसकी शिकायत स्थानीय युवती के द्वारा की गई थी। जैसे ही एनजीओ संचालिका अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें एक युवक के सिर पर चोट लगी है। घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। आनन फानन में घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रमोद मिश्रा निवासी जीवला की शिकायत पर रूपा सिंह और उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरे पक्ष से रूपा सिंह की शिकायत पर लोकनाथ गौतम और अन्य के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही गुड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी एनजीओ संचालक और बीएमओ के बीच मारपीट हुई थी।